17 मार्च 2022 है और मैं वर्सोवा में हूँ। वर्सोवा में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी से मनाए जाते हैं। सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है, मतलब छोटा से छोटा भी फेस्टिवल ना दिवाली की तरह मनाया जाता है। जैसा कि आप आज देख सकते हैं कि होली का दहन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जन्माष्टमी का फेस्टिवल है या फिर दिवाली का फेस्टिवल है। हर एक परिवार ने एक ही कलर के कॉस्ट्यूम पहने हैं, एक ही कलर के कपड़े पहने हैं और उतने ही सज धज के होली का दहन के लिए पूरी गली सजा रखी है। डांस हो रहा है, डीजे बज रहा है, दिए जल रहे हैं, कलरफुल लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और अभी होली का दहन भी होने वाला है तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप कि आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा।
बैक टू होम। सो इस साल का 2022 का होलिका दहन भी देख लिया बहुत अच्छे से। इतनी खुशी मुझे हो रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ऐसे फेस्टिवल्स एक अनजान शहर में आप ऐसे अच्छे से जब फेस्टिवल मनाते हो ना, बिल्कुल जैसे आप अपनी फैमिली के साथ बना रहे हो, कहाँ मिलेगा बताओ। तो वो आपको यहाँ पे मुंबई में वर्सोवा में हर एक फेस्टिवल ऐसा आप बनाओगे ना, आपको लगेगा यार वाव, मतलब कितना अच्छा है, कितना सुकून है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैंने कभी ऐसे फेस्टिवल्स दिल्ली में भी नहीं बनाए जब मैं दिल्ली में थी, पर मुंबई में आके मैंने जन्माष्टमी, होली, शिवरात्रि, दिवाली, जितने भी फेस्टिवल्स हैं मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ, बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हर एक फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए तो कीप लविंग, कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इफ यू वॉन्ट विद योर फ्रेंड्स। बाय।